हमें सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर के पुस्तक को पढ़ना शुरू किया था। उसमें लेसन नंबर 1 द थर्ड लेवल, इसका कुछ हमने पढ़ा था, जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे। देयर वर ब्रास पाइटॉन्स ऑन द फ्लोर एंड अक्रॉस द स्टेशन। A glint of light caught my eyes. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. There were brass buttons on the floor. वहाँ फर्श के ऊपर पीतल के पीकदान थे। And across the station, a glint of light caught my eyes. और स्टेशन के पार एक रोशनी की चमक पर मेरी निगाह पड़ी। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट। और एक व्यक्ति वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच, अपने एक सोने की घड़ी को खींच रहा था फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, अपनी एक जेब के अंदर से एक सोने की घड़ी को खींच रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, वह इसके ढक्कन को खोल, उसने इसके ढक्कन को खोला। ग्लांस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड, और उसने उस घड़ी की तरफ देखा और अपनी आंखों की बाहों को सिकोड़ा। ही वोर ए डर्बी हैट, ए ब्लैक फोर बटन सूट विद टीनी लेपल्स, एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मसल्स। ही वो एक डर्बी हैट पहने हुए था। ए ब्लैक फोर बटन सूट विथ टीनी लेपल्स, और छोटे लेपल वाले एक चार बटनों वाला सूट पहने हुए था। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार मसल्स, और उसकी बड़ी काली हैंडल बार जैसी मूछे थी। Then तब I looked around, मैंने चारों तरफ देखा and saw, और देखा that की everyone in the station की प्रत्येक स्टेशन के ऊपर was dressed like 1819 something की वह प्रत्येक स्टेशन के ऊपर एक ऐसी वर्दी पहने हुए थे जो 1890 के आसपास पहनते थे। I never saw so many beards, मैंने कभी इतनी अधिक दाढ़ियाँ वाला व्यक्ति नहीं देखा था। साइड ब्रांच एंड फैंसी मसल्स इन माई लाइफ, कि कानों के पास बाल और फैंसी मूछे जीवन में मैंने नहीं देखी थी। ए वोमैन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। ए वोमेन, एक महिला, वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन के गेट के अंदर से आ रही थी। शी वोर ए ड्रेस, वह एक वर्दी पहने हुई थी विद लेग ऑफ मटन स्लीव, जिसकी ऊंचे बटनों वाली स्लीव माने पहुंचा होता है, जिसके ऊंचे बटन वाले जूतों के ऊपर। एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ द हाई बटन शूज। ए वोमैन, एक महिला,
वॉक इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन के गेट के अंदर से बाहर आ रही थी। शी वॉर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन, वह एक छोटी सी ड्रेस पहने हुई थी। एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और वह ऊंचे बटन वाले जूतों के ऊपर स्कर्ट पहने हुई थी। बैक ऑफ हर उसके पीछे की तरफ, आउट ऑफ ए ट्रैक यानी दूर पटरी के ऊपर, आई कॉट ए ग्लिम्प्स ऑफ ए लोकोमोटिव, मैंने एक रेल के इंजन को देखा। ए वेरी स्मॉल कोरियर एंड इवास लोकोमोटिव विद ए फ्यूनल शेप स्टैक, जो एक बहुत ही छोटे कोरियर और आई वेस इंजन की आकार की चिमनी वाला था। एंड देन आई न्यू, और तब मुझे इसके बारे में मालूम हुआ। टू मेक श्योर यानी स्वयं ये आश्वस्त होते हुए, आई वॉक्ड ओवर टू द न्यूज बॉय, मैं अखबार बेचने वाले लड़के के पास गया। एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट, और उसके पाँव में पड़े हुए अखबार के ढेर को मैंने देखा। इट वॉज द वर्ल्ड, उनके अंदर एक अखबार का जिसका नाम द वर्ल्ड था। एंड द वर्ल्ड हैज नॉट बीन पब्लिश्ड फॉर ईयर्स, और यह वर्ल्ड नाम का जो अखबार था ये सालों से प्रकाशित नहीं होता था। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लेवलैंड, इस अखबार की हेडलाइन राष्ट्रपति क्लेवलैंड के बारे में कुछ कहती थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सीन्स इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स एंड इट वॉज प्रिंटेड जून 11, 1894। मैंने उसके जो पहला पेज को ढूंढ लिया था, जो पब्लिक लाइब्रेरी की फाइलों में जून 1884 के अंदर प्रकाशित हुआ था। आई टर्न टू ऑल द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल आई कुड बाय टिकट दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वांटेड टू गो। हाई ट्रन टू आर द टिकट विंडोज, में टिकट की खिड़की की तरफ मुड़ा, नोइंग दैट ये जानते हुए कि हियर यहाँ पर ऑन द थर्ड लेवल की तीसरे स्तर के ऊपर एट ग्रांड सेंट्रल, ग्रांड सेंट्रल के अंदर आई कुड बाई टिकट, मैं टिकट को खरीद सकता था। दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जो मुझे और लुइसा को संयुक्त राज्य के अंदर जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकती थी। इन द ईयर 1894 के वर्ष के दौरान, एंड आई वॉन्टेड ए टू टिकट्स टू गर्ल्स वर्क लुइसा, 1894 के वर्ष में, और गर्ल्स वर्क एलिनोस की दो टिकटें खरीदना चाहता था। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हैं? इट इज ए वंडरफुल टाउन स्टील, ये निरंतर एक अद्भुत शहर है। विद अ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहाँ पुराने फ्रेम के मकान बने हुए हैं, ह्यूज लॉन्स और विशाल मैदान हैं, एंड ट्रीमेंडियस ट्रीज और बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं, होज ब्रांचेज मीट ओवर हेड, जिनकी शाखाएं आपस में
ऊपर यानी गली के ऊपर मिल जाती हैं एंड रूफ द स्ट्रीट और गली की छत बन जाती हैं। एंड इन 1894 और 1894 के अंदर समर इवनिंग गर्मी के मौसम शाम के समय वर्क ट्वाइस एज लॉन्ग यानी जो गर्मियों की शाम एक दोगुनी लंबी हो जाती है। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स और लोग अपने लॉन्स में मैदानों में बाहर बैठ जाते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स लोग वहाँ सिगार को पीते हैं एंड टॉकिंग ट्वीटली और आराम से बातें करते हैं। दी वोमेन वेइंग पाम लीफ फैंस महिलाएं पाम के पत्तों के बने हुए पंखों को घुमाती हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड और वहां चारों तरफ फायर फ्लाइज जुगनू की चमक दिखाई देती है। इन ए पीसफुल वर्ल्ड उस शांत दुनिया के अंदर टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ जब ये प्रथम विश्व युद्ध 20 वर्ष वापिस जाने के लिए था यानी 20 वर्ष हो चुके थे। स्टिल 20 ईयर्स ऑफ लगातार 20 वर्ष बीत चुके थे। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर और द्वितीय विश्व युद्ध 40 वर्ष से भी अधिक दूर है। आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट मैं वहां के लिए 2 टिकटें खरीदना चाहता था। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर क्लर्क ने किराए की गणना की। ही ग्लांस्ड एट माई फैंसी हैटबैंड उसने मेरे फैंसी टॉप बैंड की तरफ देखा। बट ही फिगर्ड द फेयर और उसने किराए की गणना की। एंड आई हैड अनफ फॉर 2 कोच टिकट्स और मेरे पास एक तरफ की 2 टिकटों के लिए पर्याप्त पैसा था। द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी वो क्लर्क मेरी तरफ उसने देखा वाज स्टेयरिंग टू एट मी मेरी तरफ देख रहा था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी लेकिन जब मैंने उन पैसों की गणना की एंड लुक्ड अप और ऊपर की तरफ देखा द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी तो वो क्लर्क मेरी तरफ देख रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स उसने बिल्स के लिए अपनी गर्दन को हिलाया। That am not money, Mister. श्रीमान जी ये पैसे नहीं हैं। He said उसने कहा And if you are trying to skin me और यदि तुम मेरे साथ हेरा फेरी करना चाहते हो You'd not get very far तो तुम ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। हाफ अगेन
एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रावर, और उसने पैसों की दराज की तरफ देखा बिसाइड हिम, और उसके दूसरी तरफ ऑफ कोर्स द मनी बाज और स्टाइल बिल्स, ये पैसे आपसे ही पुराने जमाने के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज एंड डिफरेंट लुकिंग। और जो पैसे यानी जो धन आज हम प्रयोग करते हैं उसे डेढ़ गुना बड़ा और अलग तरह के देखते थे। आई टर्न्ड अवे, मैं दूसरी तरफ मुड़ा, एंड गोट आउट फास्ट, और जल्दी से बाहर की तरफ गया। देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, तो वहां जेलों की भी अच्छी स्थिति नहीं थी। इवन 1984 1894 में भी जेल कोई अच्छी नहीं थी। एंड दैट वॉज दैट, और वो जो था, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, जिस रास्ते से आया था मैं ठीक उसी रास्ते से वापस गया। आई सपोज मेरा मानना था नेक्स्ट डे, अगले दिन ड्यूरिंग लंच आवर, जब हमारे लंच का समय होगा, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैं बैंक से $300 वहां से लूंगा। नियरली ऑल वी हैड एंड बॉट ऑल स्टाइड करंसी, वी हैड रियली वॉरिड माई साइक्रिस्ट फ्रेंड। आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैं बैंक के अंदर से $300 को निकालूंगा। नियरली लगभग ऑल वी हैड, जो सब मेरे पास थे, एंड बॉट ऑल स्टाइल करेंसी, और मैंने पुराने जमाने की करेंसी को खरीदा। That really worried my psychiatrist friend, उससे वास्तव में ही मेरा जो मनोवैज्ञानिक मित्र था इस बात से दुखी हुआ। You can buy old money at almost any coin dealer, you can buy old money, तुम पुराने पैसों को खरीद सकते हो at almost एनी क्वाइन ड्रिलर, किसी भी सिक्कों के जो डीलर है उनसे तुम अधिकतर इनको खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे प्रीमियम, लेकिन उसकी तुम्हें जो प्राथमिक है प्रीमियम उसको चुकाना होगा। माई $300, मेरे $300 बॉट लेस देन $200 इन ऑल स्टाइल बिल्स, उससे मैंने पुराने जमाने के 200 के करीब यानी 200 से कुछ कम रुपयों को लिया। बट आई डिड नॉट केयर, लेकिन मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। एज वर 13 सेंट ए डजन इन 1894 1894 के अंदर अंडे 13 सेंट प्रति दर्जन थे। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लेन टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ओपन अनफ, लेकिन मैंने
बट लेकिन आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, मैंने कभी दोबारा उस कॉरिडोर को नहीं पाया। दैट लीड टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्तर पर पहुंचाता था। ऑल्दो यद्यपि आई हैव ट्राइड ओपन, मैं आमतौर पर यह प्रयत्न करता रहा। लोइसा वॉज प्रेटी वोरिड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस एंड डिड नॉट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर एंड आफ्टर ए व्हाइल आई स्पोज्ड। लोइसा वॉज प्रेटी वोरिड, लोइसा बहुत अधिक चिंतित थी। When I told her all this, जब मैंने ये सब कुछ उसको बताया तो लोइसा बहुत अधिक चिंतित थी। And did not want me to look for the third level anymore। और वह नहीं चाहती थी कि मैं और अधिक उस तीसरे स्तर के तलाश करूं। And after a while, और कुछ अक्षण के बाद, I stopped, मैं रुका। I went back to my stamps, मैं वापिस अपनी स्टैंपों के पास गया। But now, लेकिन अब, we are both looking, हम ये दोनों देख रहे हैं, every weekend, प्रत्येक सप्ताह के अंत में, because now, क्योंकि अब, we have proof that, हमारे पास ये एक सबूत था कि, the third level is still there, कि तीसरे स्तर का स्टेशन वहां निरंतर है। माई फ्रेंड सेम वेनर डिसअपियर, मेरा मित्र सेम वेनर अब लुप्त हो गया था। नोबडी न्यू, कोई ये नहीं जानता था वेहर की कहां पर है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मेरा थोड़ा सा एक मुझे शंका थी। बिकॉज क्योंकि सेम इज ए सिटी बॉय, क्योंकि सेम एक शहर का रहने वाला था, सिटी बॉय था। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैंने उसे गेल्सबर्ग के बारे में बताया था। I went to school there, मैं वहां स्कूल के अंदर जाता था। And he always said, और वह हमेशा कहा करता, he liked the sound of the palace, कि वह उस जगह की आवाज को पसंद करता था। And that is where he is, और वो वहीं पर है। All right, ठीक है। In 1894, 1894 में